Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so your preparation is going well. Today I'm going to discuss Super Series 7 and today I will complete more than 100 plus questions from all series. तो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी बट मैंने आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं. सो मेन पर्पस इज टू प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चन कि आप इसको अटेम्प्ट करिए, सुनिए अच्छे से और एग्जाम को क्रैक कीजिए. दिस इज द ओनली पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग दीज वीडियोज. सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू वन मैसेज फॉर दोज पीपल. देर आर सम पीपल हु आर मिसलीडिंग और हु ट्राई टू मिसलीड यू गाइज. तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पर्पज इस चैनल से स्टडी करना नहीं है बट वो यहाँ पर कुछ अलग अलग कमेंट कर रहे हैं लाइक कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट रॉन्ग है या यहाँ से मत पढ़िए. तो आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए बिकॉज एग्जाम के लिए ओनली 2 days आर लेफ्ट. तो आपको जो मैंने प्रोवाइड किया है वो एकदम राइट है, करेक्ट है. और इसमें अगर कोई भी एरर होता है टाइपिंग एरर में तो वो ऑलरेडी मैंने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में. तो उसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम है. आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है. एंड यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. सो डोंट पे अटेंशन टू दोज पीपल. तो उनके लिए मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट किसी को मिसलीड और मिसगाइड मत कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर सीरीज 7. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय A. increase in supply of goods. B. increase in cash with the government. C. decrease in money supply. D. increase in money supply. And E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. increase in money supply. So मुद्रास्फीति के कारण क्या है कि इसमें पैसे की आपूर्ति में वृद्धि होती है. Question number 2 is when the prices of commodities, goods and services start declining consistently, the phenomena is known as. Options are A. discount field, B. deflation, C. negative growth, D. market capitalism and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. deflation. So it is the डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में. और आज मैंने क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दे दिए हैं बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गया, सिलेबस कवर हो गया है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो को आप जरूर अटेम्प्ट करके जाना एग्जाम से पहले. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस इन्वेस्टमेंट इज. ऑप्शन आर ए ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट, बी ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, C. increase in investment and D. closing down of business concern and E. none of the above. So try to give your answer fast. Answer is B. offloading of government shares to private company. So इसमें क्या होता है कि निजी कंपनियां जो होती है वह सरकारी शेयरों की offloading करती है disinvestment के केस में. Question number 4th is which of the following causes the condition in which prices increase rapidly as a currency loses its value. So निम्नलिखित में कौन सा ऐसी स्थिति है जिसका कारण बनता है जिसमें एक मुद्रा के मूल्य में कमी आने पर कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है. ऑप्शंस आर ए डिफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी हाइपर इन्फ्लेशन एंड डी स्टेल्थ इन्फ्लेशन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. Answer is C. hyperinflation. Question number 5th is which award is also referred to as the alternative Nobel Prize? A. Right Livelihood Award, B. Man Booker Prize, C. Pulitzer Prize and D. Seoul Peace Prize and E. none of the above. So try to give your answer. Answer is A. Right Livelihood Award. क्वेश्चन नंबर 6th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. तो नॉट करेक्ट बताना है. ए रिवेन्यू डेफिसिट, दैट इज टोटल रिवेन्यू रिसीट्स माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. बी बजट डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सी फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. डी प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर.
आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. सो ऑल मैथ्स आर करेक्ट. तो ये सारे करेक्ट है, इसको आप जरूर याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विल बी एस्टेब्लिश. ऑप्शंस आर ए पटना, बी रोहतास, सी बक्सर, डी दरभंगा एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए पटना. तो बिहार के पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सेकेंड जू विल बी ओपन. ऑप्शंस आर ए ईस्ट चंपारण, बी अररिया, सी बक्सर, डी रोहतास, ई नन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर. आंसर इज ए अररिया. तो पहले जो चिड़ियाघर है वो पटना में, अब दूसरा कहां पर होगा, अररिया में होगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज, एज इन अक्टूबर 2020 टोटल मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ कितनी है, मॉनिटरी फंड जो है उसका कितने मेंबर कंट्रीज हैं टोटल. ए 189, बी 190, सी 191 एंड डी 192. सो गिव योर आंसर. आंसर इज बी 190. सो न्यूली एडेड कंट्री का नाम याद रखना है, एंडोरा. क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो इसमें से एफडीआई का कौन सा कंपोनेंट नहीं है. ऑप्शंस आर ए इक्विटी कैपिटल, बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सी री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, डी इंट्रा कंपनी लोन्स एंड ई नन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर. आंसर इज बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो एफडीआई के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड इंट्रा कंपनी लोन्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज, हु गिव द थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइस. सो लिमिट प्राइस का सिद्धांत किसने दिया है. ए जे भगवती, बी अमर्त्य सेन, सी अभिजीत बनर्जी, डी जॉर्ज एकरलोफ एंड ई नन ऑफ द अबव. सो गिव योर आंसर. आंसर इज ए जे भगवती. क्वेश्चन नंबर 12 इज, इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज SEZ पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर. ए अप्रैल 1999, बी अप्रैल 2000, सी अप्रैल 2001 एंड डी अप्रैल 2002 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज अप्रैल 2000, दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हेन द आरबीआई अनाउंस्ड अ हाइक इन द कैश रिजर्व रेशियो इट मींस. तो कैश रिजर्व रेशियो में जब आरबीआई हाइक करता है, बढ़ाता है, तो उसका क्या मतलब है. ए कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड टू इट्स कस्टमर, बी कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड टू इट्स कस्टमर, सी इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू डिक्रीज इट एंड डी इट्स इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू इंक्रीज इट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. ये सब मैंने कवर करा दिया आपको, आपको आज बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सही अटेम्प्ट करने हैं. आंसर इज ए एंड सी. सो इसमें ऑप्शन ई होगा. इसमें ए और सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है. तो कैश रिजर्व रेशियो में जब हाइक करते हैं आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास लेस मनी होती है जो लेंड करते हैं अपने कस्टमर को. और सी भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 इज, इन बैंकिंग सेक्टर आरटीजीएस स्टैंड फॉर. तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म बतानी है. ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट, सी रियल टाइम ग्रॉस स्टैंडर्ड एंड डी रियल टिकेट ग्रॉस सेटलमेंट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें से नॉट करेक्ट मैच बताना है आपको. ए लाफर कर्व, टोटल टैक्स रिवेन्यू एंड टोटल कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स रेट, बी लॉरेंस कर्व, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी डेवलप्ड, सी फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी वी कर्व, एग्जामिनिंग रिसेशन एंड रिकवरीज एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ई नन ऑफ द अबव. सो ऑल मैच आर करेक्ट. इसको एज इट इज यहाँ से लर्न कर लो, कर्व से क्वेश्चन जरूर आता है. क्वेश्चन नंबर 16 इज, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. सो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत बताना है आपको. ए माइनिंग सेक्टर,
बी सर्विस सेक्टर, सी इंडस्ट्री सेक्टर एंड डी एग्रीकल्चर सेक्टर. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज बी सर्विस सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 17 इज PFRDA वॉज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज. तो PFRDA क्या है? ए पेंशन रेगुलेटर, बी इंश्योरेंस रेगुलेटर, सी इंडस्ट्री रेगुलेटर एंड डी एग्रीकल्चर रेगुलेटर एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए. सो इट इज अ पेंशन रेगुलेटर. सो PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 18 इज सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया टुक प्लेस ऑन ए 6 अप्रैल 1979, बी 6 अप्रैल 1980, सी 6 अप्रैल 1981 एंड डी 6 अप्रैल 1982 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज 6 अप्रैल 1980. क्वेश्चन नंबर 19 इज वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट ए नोएडा, बी पटना, सी भोपाल, डी लखनऊ एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए नोएडा. क्वेश्चन नंबर 20 इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू. सो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ए शेयर मार्केट, बी एग्रीकल्चर मार्केट, सी बैंकिंग एंड डी माइनिंग एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए शेयर मार्केट. क्वेश्चन नंबर 21 इज कैपिटल मार्केट रियल एस्टेट कॉमोडिटीज हैव बीन डिफाइंड एज सेंसिटिव सेक्टर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शंस आर ए आरबीआई, बी सेबी, सी सिडबी एंड डी नबार्ड, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 22 द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग आफ्टर री इवेल्युएटिंग एवरी टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज. सो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रत्येक मद का पुनः मूल्यांकन कर बजट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए जीरो बेस्ड बजटिंग, बी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, सी वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग एंड डी पार्टिसिपेटिव बजटिंग एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए. सो इट इज जीरो बेस्ड बजटिंग. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ए सेबी 1992, बी नबार्ड 1982, सी आरबीआई 1950, डी सिडबी 1990 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. इसमें नॉट करेक्ट मैच बताना है आपको. आंसर इज सी. सो सारे करेक्ट है, सी गलत है. इसमें आरबीआई जो है वो 1935 को फाउंड हुआ था. क्वेश्चन नंबर 24 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिटरमाइन द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ ए प्राइम लेंडिंग रेट, बी रिवर्स रेपो रेट, सी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड डी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट. सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो ये बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट को इसी बेसिस पे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट पे ही मेजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. नॉट करेक्ट बताना है. ए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. बी जीएनपी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली अ कंट्रीज सिटीजन बट बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड. सी पोटेंशियल जीडीपी द लेवल ऑफ आउटपुट विच एनी इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेशन रेट. डी एनडीपी एन एनुअल मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन दैट इज एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ई दैट इज नन ऑफ द अबव. ऑल मैच आर करेक्ट. तो आप इसको एज इट इज यहाँ से लर्न कर लो. मैंने सबकी डेफिनेशन दे दी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा.
Question number 26 is, in terms of GDP by purchasing power parity basis, what is India ranked? So this is the most important question. Options are A, 6th, B, 3rd, C, 5th and D, 9th and E, none of the above. So try to give your answer. Answer is 3rd, B option. Question number 27 is, which country has the highest per capita income in 2021? Options are A, USA, B, UK, C, Russia and D, Luxembourg and E, none of the above. So try to give your answer. 2021 में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? Answer is D, Luxembourg. Question number 28, based on the PPP, the GDP per capita of India is projected at 7,333 international dollar in 2021 and it is almost 40% of world GDP per capita and India's world rank is in the Asian rank. Mein India ki rank batani aur Asia ki rank batani. Options are A, 128-31, B, 141-41, C, 105-55, D, 94-40 and E, none of the above. So try to give your answer. Correct answer is A, 128-31. Question number 29, which one of the following pair is not correctly matched? So not correct बताना है. A, first five-year plan, Harrod-Domar model. B, second five-year plan, PC Mahalanobis model. C, 12th five-year plan, Manmohan model. D, 8th five-year plan, Rao and Manmohan model. So try to attempt this question. ये question यहाँ से जरूर आएगा. Correct answer दीजिए मुझे. Answer is E, none of the above. So सारे correct match हैं. As it is यहाँ से आप इसको याद कर लो. Question number 30 is, in which 5-year plan first time the private sector got priority over the public sector? So, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? Options are A, second 5-year plan, B, third 5-year plan, C, fourth 5-year plan and D, seventh 5-year plan and E, none of the above. So, try to give your answer. Answer is D, that is 7th 5-year plan. Question number 31, which 5-year plan is known as Gadgil model? Options are A, 2nd 5-year plan, B, 3rd 5-year plan, C, 4th 5-year plan and D, 7th 5-year plan and E, none of the above. So try to give your answer. Answer is B, that is 3rd 5-year plan jo hai, usme Gadgil model aaya tha. Question number 32, which 5-year plan is known as education plan? So, kis panchvarshiya yojana ko shiksha yojana ke naam se jana jata hai? A, 5th 5-year plan, B, 3rd 5-year plan, C, 11th and D, 7th. So, try to give your answer. Answer is C, 11th 5-year plan. Question number 33, who among the following has the credit of proposing the first blueprint of Indian planning? So, इसमें से किस भारतीय नियोजन का प्रथम blueprint प्रस्तावित करने का श्रेय प्राप्त हुआ है? A, जयप्रकाश नारायण, B, M. विश्वेश्वरिया, C, M. N. रॉय, D, S. N. अग्रवाल and E, none of the above. So, try to give your answer. Answer is B, M. विश्वेश्वरिया. Question number 34, who among the following formulated the Gandhian plan? Options are A, Jayaprakash Narayan, B, M. Vishweshwarya, C, M. N. Roy, D, S. N. Agarwal. So give your right answer. Answer is D, S. N. Agarwal. Question number 35, who among the following formulated the People's Plan? Options are A, Jayaprakash Narayan, B, M. Vishweshwarya, C, M. N. Roy, D, S. N. Agarwal and E, none of the above. So try to give your answer. Answer is C, M. N. Roy. Question number 36, which one of the following is correct order in terms of its incorporation? Options are A, Bombay Plan, Gandhian Plan, People Plan, Sarvodaya Plan, B, People Plan, Sarvodaya Plan, Bombay Plan, Gandhian Plan,
सी सर्वोदय प्लान बॉम्बे गांधीयन एंड पीपल प्लान एंड डी गांधीयन सर्वोदय बॉम्बे एंड पीपल्स प्लान एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. करेक्ट ऑर्डर बताइए इन टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आंसर इज ए. सो बॉम्बे प्लान आया था पहले. इसको जो है एट लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था. 1994 में आया था ये. उसके बाद गांधीयन प्लान आया था बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है इन्होंने फॉर्मुलेट किया था 1944 में. फिर पीपल प्लान आया था 1945 में. ये भी रेडिकल ह्यूमैनिस्ट जो है एम एन रॉय इन्होंने किया था फॉर्मुलेट. उसके बाद सर्वोदय प्लान आया था जो कि 1950 जनवरी में पब्लिश किया गया था. और इसके सोशलिस्ट लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण. कम टू क्वेश्चन नंबर 37. हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद बॉम्बे प्लान. तो आपको बताना है कौन नहीं है बॉम्बे प्लान में एसोसिएटेड. ए पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, बी जे आर डी टाटा, सी जी डी बिरला, डी एम एन रॉय एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी एम एन रॉय. सो बॉम्बे प्लान जो है मैंने आपको बता दिया 1944 में. तो कौन कौन थे एट उनका नाम बता देती हूँ. एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जे आर डी टाटा, जी डी बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरबा भाई, लाल भाई, ए डी श्रॉफ एंड अबदेवशीर दलाल एंड लास्ट कौन थे? जॉन मिथाई. क्वेश्चन नंबर 38. इन विच ईयर सर्वोदय प्लान वॉज पब्लिश्ड. ईयर बताना है. ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951 एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी 1950. क्वेश्चन नंबर 39. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. ऑप्शंस आर ए अमिताभ कांत, बी अरविंद पनगरिया, सी राजीव कुमार एंड डी नरेंद्र मोदी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. चेयरमैन बताने करंट. आंसर इज डी नरेंद्र मोदी. तो पीएम जो है वो चेयरमैन है नीति आयोग के. क्वेश्चन नंबर 40. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द सेवन पिलर ऑफ नीति आयोग. तो सेवन पिलर में से कौन सा करेक्ट नहीं है? ए प्रो पीपल, बी पार्टिसिपेशन, सी इक्वालिटी, डी ट्रांसपेरेंसी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is E, none of the above. So all are the included in seven pillars of Niti Aayog. Question number 41. When was Niti Aayog established? Date batani hai. A 1st January 2015, B 1st April 2016, C 15 March 2015 and D 1st April 2015 and E none of the above. So try to give your right answer. Answer is A 1st January 2015. Question number 42. Which among the index is not released by Niti Aayog? तो इसमें से कौन सा index Niti Aayog नहीं release करता है? A Agriculture Transformation Index, B Global Innovation Index, C School Education Quality Index and D Composite Water Management Index and E none of the above. So try to give your right answer. Not बताना है. आंसर इज नन ऑफ द अबव. सो सारे इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी. सो FRBM एक्ट 2003 में आया था. क्वेश्चन नंबर 44. एन के सिंह कमेटी वॉज सेटअप इन 2016, रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टारगेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP इन ईयर्स अप टू March 31, 2020 एंड कट इट टू 2.8% इन 2021 एंड टू 2.5% बाय विच ईयर. तो आपको ऑप्शन है ए 2022, बी 2023, C 2024, D 2025 and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B 2023. तो आपको ये target year याद रखने हैं. Question number 45. Which one of the following pair is not correctly matched? Options are A crowding out, rising public sector spending drive,
down or even eliminate the private sector spending. B. NRI bond issued by the SEBI to non-resident Indians who are interested in investing their money in India. C. Fiscal drag, inflation or income growth moves taxpayer into higher tax brackets. D. Fiscal cliff, a combination of expiring tax cuts and across the board government spending cuts. And E. None of the above. So try to give your right answer, not correct batana hai. Answer is B. तो बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है. यहाँ पे एनआरआई बॉन्ड जो है वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है. तो अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसको एज इट इज याद कर लो. कम टू क्वेश्चन नंबर 46, विच आर नॉट द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड. तो कौन सा मात्रात्मक ऋण नियंत्रण विधियां नहीं है? ए बैंक रेट पॉलिसी, बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी कैश रिजर्व रेशियो एंड डी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ई नन ऑफ दी अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर, नोट बताना है. आंसर इज ई, नन ऑफ दी अबव. सो ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 47, विच आर नॉट द क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड. तो इसमें क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है? ए मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, बी रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, सी कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डी क्रेडिट रेशनिंग एंड ई नन ऑफ दी अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ई, नन ऑफ दी अबव. सो ऑल आर कम अंडर द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ आरबीआई. तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों याद कर लो, क्वेश्चन आता है यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 48, हु रिलीजेज द होलसेल प्राइस इंडेक्स फिगर्स. तो कौन रिलीज करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ई नन ऑफ दी अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी. सो इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 49, हु इशू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा कौन इशू करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए. सो इट इज इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 50 इज, व्हाट इज एस्पायर इन द एमएसएमई. तो एस्पायर बताना है आपको, एमएसएमई से रिलेटेड है. ए अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी अ स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सी अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिया रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डी अ स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन रीजनल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, E none of the above and more than one of the above. So try to give your right answer. Answer is A. So aspire kya hai? A scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. Question number 51, which one of the following pair is not correctly matched? Not correct batana hai. A MSME samadhan, delayed payment monitoring system, B MSMB संबंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी मॉनिटरिंग पोर्टल, सी एमएसएमई संपर्क इट अनेबल द जॉब सीकर्स पास्ड आउट ट्रेनीज और स्टूडेंट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर टू गेन एन एम्प्लॉयमेंट, डी एमएसएमई डाटा बैंक दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देर आर नो इंटरमीडियरीज हायर्ड बाय द मिनिस्ट्री टू डू रजिस्ट्रेशन एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. सो ऑल मैच आर करेक्ट. तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस और एग्जाम में आएंगे वो मैंने आपको एज इट इज दे दिया यहाँ पे, आप याद कर लो उसको. क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज सफूर्ति स्कीम इन एमएसएमई. ऑप्शंस आर ए स्कीम ऑफ फंड फॉर रेजुविनेट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, बी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, सी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ टॉय इंडस्ट्री and D is scheme of fund for regeneration of television industry and E none of the above and more than one of the above. So try to give your right answer. Answer is B, scheme of fund for regeneration of traditional industry.
क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज बीन टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई फॉर 2021-22? ऑप्शंस आर ए टीवी नरेंद्रन, बी मिस्टर उदय कोटक, सी सुमित मजुमदार एंड डी चंद्रजीत बनर्जी एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए टीवी नरेंद्र. तो सीआईआई क्या है? इट इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विच इज वर्क टू क्रिएट एंड सस्टेन एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन पार्टनरिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल adopted as a part of 2030 UN agenda? तो इंडिया की रैंक बतानी है 17 SDGs में. ए 110, बी 112, सी 115, डी 117, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी 117. क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2021? ए 135, बी 139, सी 144, डी 156 एंड ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एसडीजी वाला भी पूछ सकते हैं, ग्लोबल पीस भी पूछ सकते हैं और बाकी भी मैंने आपको कवर करा दिए. जल्दी से आंसर दीजिए. आंसर इज ए 135. क्वेश्चन नंबर 56, विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन नेम्ड द टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 100 ईयर? ए लक्ष्मी निवास मित्तल, बी नगवरा राम राव नारायण मूर्ति, सी अजीम प्रेमजी एंड डी जमशेदजी नुशरवंजी टाटा एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी जमशेदजी नुशरवंजी टाटा. क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ. तो टाइम पीरियड बताना है. ए 2023-25, बी 2022-24, सी 2024-26 एंड डी 2026-28 एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज बी 2022-24. क्वेश्चन नंबर 58, विच टू सिटीज आर डिक्लेयर जॉइंट विनर ऑफ द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020? ए पटना एंड लखनऊ, बी भोपाल एंड रायपुर, सी इंदौर एंड सूरत एंड डी कानपुर एंड गया एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी इंदौर एंड सूरत. क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूएन जनरल असेंबली? ऑप्शंस आर ए मारिया फर्नांडा एपिनोजा गार्सिस, बी मिस्टर तिजनी मोहम्मद बंदे, सी वॉल्कन बोजकिर एंड डी अब्दुल्ला शहीद एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी अब्दुल्ला शहीद. क्वेश्चन नंबर 60 इज विच कंट्री इज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बाय नाटो लीडर्स? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया, डी पाकिस्तान एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज बी चाइना. सो फ्रेंड्स, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. ऑलरेडी मैंने आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया है. अर्लियर वीडियोस में आपका सारा सिलेबस कवर है. आपने जैसे क्वेश्चन आएंगे उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करा दिए हैं एज पर द सिलेबस बेसिस पे. तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है और प्रैक्टिस भी हो चुकी है अगर आपने सारी वीडियो सुनी है. अगर नहीं भी सुनी है तो उसको अभी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, 2 डेज है आपके पास. और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. आज मैंने क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी कर दिया है एज द पेपर पैटर्न के हिसाब से, ताकि आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर? ऑप्शंस आर ए एल सेल्वाडोर, बी इक्वेडोर, सी सूरीनाम एंड डी बोलविया एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए एल सेल्वाडोर.
क्वेश्चन नंबर 62, विच न्यूज़पेपर विन द पुलित्जर प्राइज इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी दिस ईयर? ऑप्शंस आर ए हिंदुस्तान टाइम, बी द हिंदू, सी द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड डी द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 63, हु क्लिंचेस फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल एंड वुमेन डबल टाइटल? सो ऑप्शंस आर ए नाओमी ओसाका, बी सेरेना विलियम, सी एशलेक बाटे, डी बारबोरा क्रैक्ची कोवा. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी, दैट इज बारबोरा क्रैक्ची कोवा. क्वेश्चन नंबर 64 इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इन इंडिया इज डिटर्मिंड एंड मेंटेन बाय. तो भारत में सार्वजनिक चल निधि अनुपात किसके द्वारा निर्धारित और अनुरक्षित किया गया है? ऑप्शंस आर ए RBI, बी SEBI, सी NABARD, डी SIDBI एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए RBI. क्वेश्चन नंबर 65, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? ए राफेल नडाल, बी डैनियल मेडवेडेव, सी नोवाक जोकोविक एंड डी रोजर फेडरर एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए राफेल नडाल. क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स ऑफ 2021? ए जोजिबिनी टुंजिक, बी कैटरीना ग्रे, सी एंड्रिया मिजा एंड डी आयरिस मिटिनरे. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी एंड्रिया मिजा. क्वेश्चन नंबर 67, हु इज द राइटर ऑफ बुक द एडोसिटी ऑफ होप? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी जो बिडेन, सी बराक ओबामा एंड डी बिल क्लिंटन एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी. सो ऑडेसिटी ऑफ होप जो है वो बराक ओबामा की बुक है. क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टेट इज एट द टॉप इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी बिहार एंड डी हरियाणा एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ई, दैट इज नन ऑफ द अबव. सो ये कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? इसमें केरला ने टॉप किया है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेट इज एट द बॉटम इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021? अब बॉटम का बताना है, लास्ट बताना है कौन सी स्टेट है. ए बिहार, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए बिहार. क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट हैज हैव बीन चेंज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ जून 2021? सो इसमें आपको बताना है कि कौन सी मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों में बदलाव किया गया है. ऑप्शंस आर ए MSF एंड बैंक रेट, बी CRR कैश रिजर्व रेशियो, सी SLR एंड डी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ई. सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर. तो जून 2021 में किसी में भी रिव्यू नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया. क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडवोकेट फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट? तो कौन सा देश जो है वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर की वकालत करने वाला दुनिया का पहला देश है? ए USA, बी जर्मनी, सी इंडिया एंड डी UK एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए USA. सो याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 72, प्रोजेक्ट बंधन इज एसोसिएटेड विद ए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू BPL फैमिली, बी फॉर क्रिएशन ऑफ सोशल हार्मनी अमंग द नोमैडिक ट्राइब,
C to provide LED bulb to BPL family, and D to protect the cotton growers from devastating pink bollworm in Vidarbha region in Maharashtra, and E, none of the above. So try to give your right answer. Answer is D. So Project Bandhan kya hai? To protect cotton growers from devastating pink bollworm in Vidarbha region of Maharashtra. Question number 73. Which capital city of a state is at the top in ease of living index 2020? Important question hai. Top ka batana hai aapko kaun si state hai. A. Ahmedabad. B. Hyderabad. C. Chennai. D. Bangalore. And E. None of the above. So try to give your right answer. Answer is D. Bangalore. Question number 74. India's rank in IMD World Competitiveness Index of 2021. तो इंडिया की रैंक बतानी है आपको. A 41, B 42, C 43, D 44, E none of the above. So try to give your right answer. Answer is C, that is 43. Question number 75. According to GSDP, the growth rate of Bihar GSDP in 2018-19 was at constant price or current price, it is what? Options are A 10.53% and 15.01%, B 11.53% and 16.03%, C is 9.08% and 14.09%. And D is 12.6% and 21.6%. E, none of the above. So try to give your right answer. Answer is A, 10.53% and 15.01%. Question number 76 is Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act was came in A, 2000, B, 2002, C 2004 and D 2006 and E none of the above. So try to give your right answer. Answer is D 2006. Question number 77. The 15th Finance Commission submitted its interim report for the year of 2020-21. As per its recommendation, the share of Bihar in the total shareable resource pool of the center has increased from 9.67% to. तो आपको बताना है कि इसमें इसके अनुसार केंद्र के कुल कितना साझा करने योग्य संसाधन पुल में बिहार का हिस्सा 9.67% से बढ़कर कितना हो गया है. A 10.6%, B 11.6%, C 12.6% and D 13.6% and E none of the above. So try to give your right answer. Answer is A 10.6%. Question number 78. The contribution of agriculture and allied sectors to Bihar GSVA gross state value added was in how much percent in 2017-18? Options are A 19%, B 20%, C 21% and D 22%. E none of the above. So try to give your right answer. Answer is C 21%. Question number 79. The gross cropped area in Bihar was 75.25 lakh hectares and the cropping intensity was how much percent in 2017-18? Options are A 144%, B 154%, C 164% and D 174% and E none of the above. So try to give your answer. Answer is A 144%. Question number 80. The per capita availability of milk in Bihar was how much gram per day in 2018-19 against national average of 394 gram per day. So Bihar mein prati vyakti doodh ki uplabdhata 2018-19 mein rashtriya ausat 394 gram prati din ke mukable kitni gram prati din thi. Options are A 231, B 241, C 251, D 261 and E none of the above. So try to give your answer. Answer is C 251. Question number 81.
नंबर 81, द बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ हाउ मच परसेंट ऑन ड्रिप इरिगेशन एंड ऑन स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो बिहार राज्य सरकार ने ड्रिप सिंचाई पर कितने प्रतिशत और स्प्रिंकलर सिंचाई पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की है। ऑप्शंस आर ए 90-75, बी 80-65, सी 70-55, डी 60-45 एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए 90-75%। कम टू क्वेश्चन नंबर 82, बिटवीन 2017-18 एंड 2018-19 हाउ मच परसेंटेज ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन बिहार हैज इंक्रीज। सो 2017-18 और 2018-19 के बीच में बिहार में चीनी का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। ऑप्शंस आर ए 15.4%, बी 16.4%, सी 17.4% एंड डी 18.4% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज सी 17.4%। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR फॉर मेल वर्कर्स इन रूरल बिहार वॉज 64%, अबाउट हाउ मच परसेंटेज लोअर देन द ऑल इंडिया एवरेज। सो क्वेश्चन है, ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिकों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64% था, जो अखिल भारतीय औसत से कितना प्रतिशत कम था। ए अप्रोक्स 6%, बी अप्रोक्स 7%, सी अप्रोक्स 8% एंड डी अप्रोक्स 9% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो अप्रोक्स का मतलब होता है कि एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है, 6% या 7% या इसके आसपास होता है। सो अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी अप्रोक्स 8%। क्वेश्चन नंबर 84 इज, इन बिहार हाउ मच परसेंट मेल्स वर सेल्फ एम्प्लॉयड इन 2017-18। ए 50.9%, बी 52.6%, सी 54.7% एंड डी 55.9% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। बिहार में 2017-18 में कितने प्रतिशत पुरुष स्वरोजगार में थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज डी 55.9%। क्वेश्चन नंबर 85, द शेयर ऑफ कैजुअल लेबर इन बिहार 32.1% वॉज सिग्निफिकेंटली हायर देन द ऑल इंडिया लेवल ऑफ हाउ मच परसेंट। बिहार में नवोदित श्रमिकों का हिस्सा 32.1 अखिल भारतीय स्तर पर कितने प्रतिशत से काफी अधिक था। ए 20.3%, बी 21.1%, सी 24.3% एंड डी 26.8% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज सी 24.3%। क्वेश्चन नंबर 86, हाउ मच परसेंट ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड 2011-12 टू 2018-19 इन बिहार स्टेट। तो बिहार में 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान परिवहन क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। ए 9%, बी 10%, सी 11% एंड डी 12% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज सी 11%। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार वॉज द हाईएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एडिशनल रोड लेंथ ड्यूरिंग 2008-17। तो आपको बताना है कौन से नंबर पे हाईएस्ट स्टेट है बिहार अतिरिक्त अकॉर्डिंग टू सड़क लंबाई के निर्माण के मामले में। ए 3rd, बी 4th, सी 5th एंड डी 6th एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज डी 6th। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार वॉज एट वट पोजिशन अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2017 इन टर्म्स ऑफ रेल रूट पर 1000 स्क्वेयर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेल मार्ग के मामले में बिहार 2017 में भारत के प्रमुख राज्यों में किस स्थान पर है। ए 1st, बी 2nd, सी 3rd, डी 4th एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज सी 3rd।
फ्रेंड्स, दीज ऑल आर क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सीधे डायरेक्ट फैक्ट उठा के पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैं पुराना डाटा दे रही हूँ, एज कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ आप रिलाई कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89, प्रेजेंटली द रूरल टैली डेंसिटी इन बिहार इज हाउ मच कनेक्शंस पर 100% एंड द अर्बन टैली डेंसिटी इन बिहार इज हाउ मच कनेक्शन पर 100%। तो वर्तमान में बिहार में ग्रामीण टैली घनत्व प्रति 100 व्यक्ति कनेक्शन है और बिहार में शहरी टैली घनत्व कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है। तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस आर ए 46 एंड 149, बी 50 एंड 160, सी 80 एंड 139, डी 29 एंड 69। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए 46 एंड 149। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मच इंक्रीज इन द प्रोजेक्टेड पीक डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार फ्रॉम 2650 मेगावाट इन 2012-13 टू हाउ मच मेगावाट इन 2018-19। सो ऑप्शंस आर ए 4300 मेगावाट, बी 5300 मेगावाट एंड सी 6300 मेगावाट एंड डी 7300 मेगावाट एंड डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज बी 5300 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 91, द बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड एज सत जीविकोपार्जन योजना इन विच ईयर। ऑप्शंस आर ए अगस्त 2018, बी अगस्त 2019, सी अगस्त 2020 एंड डी अगस्त 2021 एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए अगस्त 2018। क्वेश्चन नंबर 92, रिसेंटली हाउ मच रुपीज सैंक्शन फॉर पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो कितना दिया है, ए 13,366 करोड़, बी 14,666 करोड़, सी 15,697 करोड़ एंड डी 18,977 करोड़ एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए 13,366 करोड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, बिहार इज एट व्हाट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑप्शंस आर ए 6th, बी 7th, सी 9th एंड डी 10th एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज डी 10th पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 94, द शेयर ऑफ बिहार इन टोटल डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट इन इंडिया हैज रिमेन्ड एट व्हाट परसेंटेज respectively in 2018-19। तो भारत में कुल जमा और ऋण में बिहार का हिस्सा 2018 में क्रमशः प्रतिशत कितना रहा है, ए 2.8 एंड 1.2, बी 3.8 2.4, सी 4.9 एंड 6.5 एंड डी 1.2 एंड 2.8 एंड डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए 2.8% एंड 1.2% respectively। क्वेश्चन नंबर 95, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन बिहार इन 2013-17 वाज एंड हाउ मच ईयर फॉर द मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना 2013-17 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः और वर्ष कितनी थी, ए 65.6 एंड 64.8, बी 69.2 एंड 68.6 एंड सी 70.1 एंड 69.2 एंड डी 71.1 एंड 70.2 एंड ई नन ऑफ द अबव। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर। आंसर इज बी 69.2 एंड 68.6। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मच परसेंट इन द बिहार अकाउंट इंडियाज टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन। तो बिहार में भारत की कुल बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ए 11%, बी 12%, सी 13%, डी 14% एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए 11%। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड बजटिंग स्टार्टेड इन बिहार इन विच ईयर, ए 2011-12, बी 2013-14, C 2015-16 and D 2018-19 and E none of the above। So try to give a right answer।
आंसर इज बी 2013-14 में बिहार में बाल बजट की प्रथा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन द बिहार इज लिटरेसी रेट बताना है ए 61.8% बी 65.8% सी 69.8% डी 71.2% एंड ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर आंसर इज ए 61.8% ना क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज द विक्रमशिला गंगेया डॉल्फिन सेंचुरी सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार ऑप्शंस आर ए पटना बी भागलपुर सी बेगूसराय डी राजगीर एंड ई नन ऑफ द अबव सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर आंसर इज बी भागलपुर नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर सीरीज क्वेश्चन नंबर 100 बिहार्स रेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्टैंड्स एट 45.8% विच इज लेसर देन द ऑल इंडिया एवरेज ऑफ हाउ मच परसेंट सो बिहार की भूजल निकासी की दर 45.8% है जो कि अखिल भारतीय औसत के कितने प्रतिशत से कम है ऑप्शंस आर ए 60.3% बी 63.3% सी 73.3% एंड डी 83.3% एंड डी नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव सो ट्राई टू गिव योर आंसर आंसर इज बी 63.3% फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे सीरीज नाउ मैं आपको थोड़ा सा क्वांटिटी एनालिसिस बता देती हूँ बिकॉज देर आर सो मैनी क्यूरियस स्टूडेंट्स वो आपके आस्किंग की मैम मेंटल एबिलिटी के कैसे क्वेश्चन आएंगे सो इसमें जो है मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैंने आपको ये सीरीज इसलिए प्रोवाइड नहीं की है क्वांट के लिए यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे बिकॉज यहाँ पे 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आप सब लोग कर ही लेंगे ये इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और यहाँ से रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं तो इसमें डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लेना एक बार और जो एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के बता रही हूँ मैं आपको और एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप के और अर्थमेटिक रीजनिंग भी आती है जिसमें फिगर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आता है सिम्बॉलिक ऑपरेशन है ट्रेंड स्पेस ओरिएंटेशन क्वेश्चन आएंगे स्पेस विजुलाइजेशन से आएंगे डिसीजन मेकिंग एनालॉगी वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चंस एड्रेस मैचिंग डेट एंड सिटी क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स रोल नंबर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वेन डायग्राम आएगा इंपॉर्टेंट है और इसमें इंडेक्सिंग और ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन आएंगे तो रीजनिंग तो आप बना ही लोगे बिकॉज ये इजी होता है 10th लेवल से आप करते आ रहे हो क्वांट और एबिलिटी और मैथ्स के लिए आप फॉर्मूले जो हैं इसमें लॉस एंड प्रॉफिट जो है परसेंटेज है एवरेज है तो टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूले एक बार देख लेना मैथ के और रीजनिंग के तो इजी आता है 40 क्वेश्चन आएंगे आप बना लोगे मेन तो जीएस स्कोरिंग है अगर आपने जीएस अच्छे से करेक्ट बना लिया रीजनिंग से तो आप क्वेश्चन बना ही लोगे और मैंने आपको जीएस के लिए पूरा कवर करा दिया है और करंट अफेयर्स भी आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे सारी वीडियोज को अच्छे से रिवाइज कर लेना जाने से पहले एग्जाम में फ्रेंड्स सुपर सीरीज 7 जो है वो कंप्लीट हो गई है मैंने आपको 7 सीरीज करा दी है अगर जिसने नहीं देखी अभी भी वो 2 दिन है उसके पास वो रिवाइज करके ही जाए 7 सीरीज को और क्वेश्चन यहीं से आएंगे अगर जो भी एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें टाइपिंग एरर के वो मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए हैं तो एस्पायरेंट ड्रीम सर्विसेज की तरफ से जो कमेंट है पिन किया हुआ है उसको आप देख लेना जो भी आपके 1-2 क्वेश्चन है वो वहां से हो जाएंगे और बाकी जो है 98 क्वेश्चन या जो भी हर एक सीरीज में क्वेश्चन है वो सारे करेक्ट है ऑथेंटिक डाटा है आप उसको ही देख के जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स 3 अगस्त के एग्जाम के बाद आप यहाँ पे जरूर फीडबैक देना कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं ये मुझे देखना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं और उसके बाद जो है आफ्टर 3 अगस्त मैं मेंस के लिए भी यहाँ पे स्टार्ट करूंगी और CDPO एग्जाम के लिए और UPSC EPFO एग्जाम के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी इवन 67th BPSC PTO और मेंस के लिए दोनों के लिए करूंगी तो अभी तो आप पहले इंपॉर्टेंट है 3 अगस्त का एग्जाम उसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अब बिना डरे सारे क्वेश्चन करना अटेम्प्ट और कोशिश करना कि राइट क्वेश्चन करके आना है वहाँ पे करेक्ट ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सारे क्वेश्चन बना के आने हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना सारे क्वेश्चन बनाने हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सही करना ताकि आप एग्जाम पास करो तो एक क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो सुनी है तो आप एग्जाम क्रैक कर रहे हो ये फाइनल है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ ऑल द बेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू जय हिंद